डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ चल रहे रेप के मामले में सुनवाई के दौरान नया मोड़ आ गया है। मामले की जांच कर रहे पुराने आईईओ ने पंचकुला सीबीआई कोर्ट में बयान दिया है कि 2003 में उनकी ओर से जब पीड़ितों के बयान लिए गए थे तो दोनों पीड़ितों ने रेप होने के आरोप नहीं लगाए थे, लेकिन ये जरूर कहा था कि डेरा में सब कुछ ठीक नहीं है। डेरा सच्चा सौदामुखी राम रहीम के खिलाफ रेप के आरोपों के मामले में मामले की जांच कर रहे पहले आईओ यानी कि जांच अधिकारी की तरफ से पंचकुला की सीबीआई के विशेष अदालत में बयान दिए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि 2003 में जब पीड़ितों का बयान लिए गए थे तब उनकी तरफ से रेप के इल्जामों से इनकार किया गया था, लेकिन यही कहा गया था उनकी तरफ से कि डेरे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद पंचकुला की सीबीआई की विशेष अदालत ने केएल रैना को निर्देश जारी हुए थे कि वो अपने बयान दर्ज करवाएं, क्योंकि राम रहीम के वकील की तरफ से आरोप थे कि 2006 में बयान दर्ज किए जाते हैं सीबीआई की तरफ से कि रेप हुआ था, लेकिन 2003 में पीड़ितों ने इससे इनकार किया था। लेकिन अब फिलहाल जो है राम रहीम के वकील की तरफ से एक अर्जी डाली गई है जिसमें ये कहा गया है कि 2003 का बयानों की डायरी सीबीआई की विशेष अदालत में पेश की जाए और साथ ही साथ पीड़ितों का बयान फिर से दर्ज करवाया जाए। और अब सीबीआई इस मामले में अपना जवाब देगी और अब यही देखना रहेगा कि मामले में क्या कुछ होगा। यह शर्मा जी मीडिया चक्कर।